अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सैयद तनवीर। तो आज हम न्यू मेहंदी का डिज़ाइन सीखेंगे। क्यों ना, केक तो होता है सिंपली हम बॉर्डर बनाते हैं सीधा। ये भी बॉर्डर का डिज़ाइन है जो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले हमने दो शेप्स बनाई हैं, लहरिए टाइप भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके डिबियाँ, मतलब दो लहर डिज़ाइन बनाए। उसके बाद उनको मैच कर दिया, मीन्स के लास्ट में ऐसा लग रहा है जैसे लीव्स बनाए हुए। इसमें हमने रोज़ पेटल बनाया है, ठीक है। उसमें मेरे पास अर्क है और अर्क ये फैलता है, ठीक है। और मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये जल्दी उतर जाता है, क्यों ना कि आप लोगों को सिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये हमने रोज़ पेटल बनाया है। इसके बाद इसकी फिलिंग करनी है। ये बॉर्डर डिज़ाइन का ये एक हिस्सा है। इसके बाद हमने इस स्पेस को फिल करना है। हमने हल्के हल्के फ्रिल बना दिए हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि अच्छे से ये फील हो जाए। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और सेम वर्क करके अपने व्हाट्सएप पे चेक करवाना है, ठीक है। पहले से काफ़ी बेटर आप लोगों का वर्क हो गया, एंड बेस्ट वर्क। और वर्क जो है आप मेहंदी सब किया करें, पेंसिल से नहीं, पेंसिल से वर्क अपने छोड़ दें, मेहंदी से प्रैक्टिस करें, ठीक है डियर्स। तो ये हमने एक बॉर्डर जो है वो क्लियर कर लिया है। सेकेंड दूसरी साइड का जो है हम उसको भी क्लियर करेंगे, उसको भी, ठीक है। सेम उसको भी ऐसे भी आप बना सकते हैं, उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं हल्का से उसको थोड़ा चेंज करूँगी। तो यहाँ हम लाइन ड्रा कर दिए थोड़ी हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी साइड हमने फ्लावर बनाया है छोटा सा, उसके बाद लाइनिंग की है, ठीक है। तो लाइनिंग करने के बाद, क्योंकि मैं लाइनिंग से फील करूँगी जो फ्लावर, इसको फील कर रही हूँ क्योंकि इसमें जस्ट मैंने दो फ्लावर बनाए थे हार्ट शेप के, चाहे तो उसको सारे को फेल करते हैं, ये अच्छा लगता है। उसके बाद हमने जो है ना इसमें लहरी डिज़ाइन की लाइन की है, ताकि थोड़ा डिज़ाइन जो है ना अच्छा लगे। ये हमारा फील हो गया है, बॉर्डर डिज़ाइन क्लियर हो गया। अब हमने इसमें टिक्की डिज़ाइन बनाए छोटा सा, क्योंकि मॉडल को टिक्की चाहिए थी, तो टिक्की बनाई है। उसके साथ ये स्प्रिंग बना के छोटे छोटे लीव्स बना रहे हैं। टिक्की बनाते हुए इसलिए नहीं दिखाया कि ये तो किसी को भी आती है, बस अपने अच्छी और नीट बनानी है, ठीक है डियर्स। तो ये हमने लिप्स बना लिए इसके साथ साथ। अब ये डिज़ाइन हम फर्स्ट फिंगर की तरफ लेके जाएंगे अपने, यहाँ से हमने इसको ऐसे घुमा दिए ये डिज़ाइन को। ये फ्लावर नहीं बनाया है, जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे राउंड में घुमाया है। अब इस पर छोटा छोटा फ्रिल टाइप जो शेप है वो देंगे जी इसको, इस तरह से इसको हमने फिल कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर भी लाइन कर दें जी। तो ये हमने लाइन करती हुई है, अब हम इसमें मैंगो शेप बनाएंगे। मैंगो शेप्स के बाद इसको भी फिल करेंगे डबल लाइन करने के बाद, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे हम इसमें भी फ्रिल ऐड कर देंगे। ये हमारे फ्रिल ऐड हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें भी छोटे छोटे फ्रिल बनाने हैं। और ये हमारा डिज़ाइन क्लियर हो चुका है। अब फिंगर्स, सारे फिंगर सिंगल सिंगल लग रही है, तो हम फिंगर्स पे भी मेहंदी लगाएंगे। तो फिंगर्स पे हम लाइनिंग वाला डिज़ाइन कर रही हूँ, मतलब लाइन करनी है आड़ी तिरछी लाइन करनी है, मतलब सीधी लाइन, और उसके बाद लहरिया डिज़ाइन की लाइन जो है ना मैं उसके ऊपर करूँगी, ठीक है, ये वाली। तो उसके बाद इसके अंदर एक एक डाउट्स लगा सकते हैं, एक छोड़ के एक को फील कर सकते हैं। और लाइन करने के बाद आगे, मतलब बैक साइड पे इसके फ्लावर भी बना सकते हैं आप लोग। तो ऐसे सेम मैं सारे फिंगर्स पे बनाऊंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से जी। तो इस तरह हमने लहरिया डिज़ाइन बनाया, सारे फिंगर को क्लियर कर लिए हैं जी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप हार्ट शेप फ्लावर बना सकते हैं, लीव्स बना सकते हैं, या फिर फ्लोरल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एक छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए हैं। इसी तरह का डिज़ाइन सारी ही फिंगर्स पे बनाएंगे। फिंगर्स पे डिज़ाइन सारा इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। डॉट्स के बाद ये हमने छोटे छोटे स्प्रिंग बना दिए हैं और फ्लावर बना दिए। तो ये डिज़ाइन क्लियर हो चुका है, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है डियर्स, तो आपने वर्क जो है वो मेहंदी से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।